हेलो CXR में क्या हालचाल। तो दो दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने लिखा था कि आप लोग अपने फ्री फायर के प्रोफाइल में CX लिख लो। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, बोला भाई आप भी दूसरे यूट्यूबर की तरह घमंडी हो गए हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने ऐसा किस लिए किया, सभी लोगों को प्रोफाइल में CX लिखने के लिए क्यों कहा, तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और आप लोग अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना चाहते हो तो आप लोग कैसे आ सकते हो वो मैं एंड में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को फुल एंड तक वॉच करें। तो सबसे पहला कि मैंने इस प्रकार का स्टोरी क्यों डाला इंस्टाग्राम पे कि आप लोग अपने प्रोफाइल में CX लिख लो, तो मैं काफ़ी लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड लिस्ट फुल हो गया और काफ़ी लोग मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना चाहता है। तो इसीलिए मैंने सबको बोला कि जितने भी भाई लोग मेरे सब्सक्राइबर हो वो अपने प्रोफाइल में CX लिख लो, ताकि मुझे फ्रेंड लिस्ट सभी बंदे को हटाने में आसानी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सब्सक्राइबर कोई डिलीट हो जाए फ्रेंड लिस्ट से, इसीलिए मैंने ये स्टोरी डाला था। और नेक्स्ट जो है कि आप लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में कैसे आ सकते हो, तो आप लोग अपने प्रोफाइल में CX लिख लो, ताकि जब भी आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजो तो मैं देख सकूं कि आप मेरा सब्सक्राइबर हो कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं गेम खेलता हूं तो काफ़ी लोग मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन मेरा सब्सक्राइबर और कौन गेम का फ्रेंड। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना चाहते हो तो आप लोग अपने प्रोफाइल में CX लिख लो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। तो यही रहा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।